नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा प्लस वन की फिजिक्स में आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। और चैप्टर फर्स्ट के अंदर अब तक जो आप लोग पढ़ चुके हो उसके अंदर आप लोग भौतिक जगत और मापन के बारे में पढ़ रहे हो, और मापन के अंदर अपने जो लास्ट पार्ट त्रुटियाँ हैं वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद में सार्थक अंक और अंकों को पूर्णांकित करना अपने टॉपिक बचते हैं। तो त्रुटियों के बारे में मैंने कल आपको बताया था, तीन प्रकार की त्रुटियाँ, एक तो अपने क्रमबद्ध, एक यादृच्छिक, एक स्थूल त्रुटियाँ। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था परम त्रुटि, मध्य परम त्रुटि और अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में। अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं त्रुटियों के संयोजन के बारे में, त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, तो अब अपने बात करेंगे कि योग में, घटाओ में और गुणा में और भाग में किस प्रकार से अपने त्रुटियां जो है उनको संयोजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर त्रुटियों का योग या योग के अंदर त्रुटियां। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं त्रुटियों के योग के बारे में कि योग के अंदर अपने त्रुटियां किस प्रकार से देखते हैं। देखो, अपने मान लेते हैं कि अपने पास में एक संख्या है x और ये है a प्लस बी, यानी आप a और b को जोड़ रहे हो और उससे आपके पास में जो परिणाम आ रहा है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है। जैसे आप लोग दो राशियों को जोड़ते हो और जोड़ने से आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है। यानी अपने किसकी बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं। और अब अपने किसकी बात करेंगे, अब अपने बात करेंगे योग के अंदर त्रुटियों की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, योग में त्रुटियों की। मान लेते हैं ए के अंदर, ए के मापन में, ए के मापन में परम त्रुटि डेल ए और बी के मापन में परम त्रुटि डेल बी और योग में परम त्रुटि डेल एक्स। ठीक है, देखो ए के मापन में परम त्रुटि कितनी है, डेल ए है, बी के मापन में परम त्रुटि कितनी है, डेल बी है, और योग में परम त्रुटि कितनी प्राप्त हो रही है, डेल एक्स प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखो अपने क्या लिखेंगे, अपने सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं, जैसे अपने समीकरण नंबर एक लगा देता हूँ, आप लिख रहे हो एक्स इक्वल ए प्लस बी। अगर योग के अंदर त्रुटि कितनी हो, डेल एक्स हो, तो यहाँ लिखोगे प्लस माइनस डेल एक्स। क्या लिखोगे, x और प्लस माइनस डेल x। प्लस माइनस इसलिए कि ये जो अपने डेल x कर रहे हैं ये त्रुटि आ रही है, ये हो सकता है ज़्यादा है और हो सकता है क्या हो, कम हो। जैसे रियल जो मान आपके पास में वो मान लिया कितना है, 4.2 है। ठीक है, हो सकता है आपका मान 4.1 आए, हो सकता है आपका मान जो वो 4.3 आए, तो इसलिए अपने इसे क्या लिखा है, प्लस माइनस डेल x। इसी प्रकार a और अपने क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल a। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे प्लस और b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल b। तो इस प्रकार आपने क्या लिखा, x प्लस माइनस डेल x, a प्लस माइनस डेल a, b प्लस माइनस डेल b। अब देखो अपने इसे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल x बराबर a प्लस b, a प्लस b, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। अब देखना अपने समीकरण नंबर एक से, देखो समीकरण नंबर एक से ये जो a प्लस बी है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से a प्लस बी इससे क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, x, और उसे जब साइड में लेकर क्या होगे तो ये मान क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। या x की जगह क्या रख दो, a प्लस बी, और वो इस a प्लस बी को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। आपके पास में जो मान बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल x और प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, अंतिम रिजल्ट आ जाएगा कि आपका जो योगफल है, योगफल में त्रुटि कितनी आ रही है, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब देखो त्रुटियों के संभावित मान आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो अपने बात करें यदि त्रुटियों के संभावित मान,
यानी योग में जो अपने त्रुटियां कर रहे हैं उनके संभावित मान यहाँ से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, तो देखो आपको प्राप्त हो सकता है डेल ए प्लस का डेल बी, आपको प्राप्त हो सकता है प्लस का डेल ए माइनस का डेल बी, चौथा जो संभावित मान है वो आपको प्राप्त हो सकता है, माइनस का लिख देता हूँ इसे, माइनस डेल ए और माइनस डेल बी, चौथा जो आपको प्राप्त हो सकता है माइनस का डेल ए और प्लस का डेल बी, ठीक है। देखो यहाँ प्लस वाले लिख दिए या माइनस वाले, फिर इसमें बी जो है वो माइनस का लिख दिया और इसमें ये जो अपने पास में ए है इसे प्लस का लिख दिया। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, त्रुटियों के संभावित मान जो है वो लिख सकते हैं, यानी अपने जब ए प्लस बी का जोड़ करेंगे तो इसके जोड़ के अंदर जो त्रुटियाँ आ रही है उसके संभावित मान क्या क्या आ सकते हैं, ये चार जो है वो आपके पास में संभावित मान आ सकते हैं। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, वो है इसका अधिकतम मान, कि जो आपके पास में त्रुटि है त्रुटि का अधिकतम मान आपके पास में कितना आएगा, तो यहीं पर लिख देता हूँ त्रुटि का अधिकतम मान, संयोजन के अंदर योग जो अपने कर रहे हैं योग में त्रुटि का अधिकतम मान, यहाँ जो अधिकतम मान आएगा ये जो आपके पास में मान है वो क्या होगा, अधिकतम मान होगा। परिमाण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं इसे, परिमाण के रूप में लिख देना डेल ए और प्लस डेल बी, ये आपके पास में त्रुटि का कौन सा मान है, ये आपके पास में त्रुटि का अधिकतम मान है, ठीक है। तो ये अपने त्रुटि का क्या ज्ञात कर लिया, अधिकतम मान जो है वो ज्ञात कर लिया। तो ये अपना टॉपिक था संयोजन के अंदर त्रुटियां, और इसके अंदर अपने सबसे पहले किसकी बात की है, सबसे पहले अपने इसके अंदर योग की बात की है, कि योग के अंदर जो अपने त्रुटि आ रही है उस त्रुटि का जो है वो अधिकतम मान अपने कितना होता है। तो अपने योग की बात कर रहे हैं, योग के अंदर अपने क्या लिखा है, अपने लिखा है एक्स ए प्लस बी, और अब अपने बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अंतर के अंदर त्रुटियों की, ठीक है। ये अपने किसकी बात की है, योग की बात की है, और अब अपने जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, अंतर के अंदर, अंतर में त्रुटियों की, अंतर में त्रुटि, ठीक है। अगर पूरा लिखो तो राशियों के अंतर में त्रुटि आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इस जगह अपने बात कर लेते हैं, तो ये देखो ये क्या लिखा आपने, एक्स ए प्लस बी, यहां क्या लिखोगे, एक्स ए माइनस बी, और ये आपकी क्या आ जाएगी, समीकरण एक आ जाएगी, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा हूँ इनका, तो एक्स ए माइनस बी आ जाएगा, जो आपने लिखा है ए के मापन में परम त्रुटि वो क्या आएगी, डेल ए, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा ए के मापन में, ए के मापन में परम त्रुटि, ए के मापन में परम त्रुटि, और कितनी आएगी, डेल ए, बी के मापन में परम त्रुटि डेल बी, और अंतर में परम त्रुटि, देखना यहां आपने क्या किया है, यहां आपने लिखा है योग में परम त्रुटि, और इस जगह क्या लिखोगे, अंतर में परम त्रुटि, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंतर में परम त्रुटि, अंतर में परम त्रुटि, तो वो क्या आएगा, डेल एक्स आएगा, ठीक है। तो ए डेल बी वाला जो आपने किया है वो तो किसके अंदर आया है, ए और बी के मापन में है, और अंतर के अंदर जब त्रुटि की बात की जाएगी तो वो कितने आई है, डेल एक्स आई है, ठीक है। अब देखो आगे अपने बात कर लेते हैं, अब आगे अपने ये जो आपने बात की है ये बात इसके अंदर भी लिखेंगे, कि अपने जो एक्स इक्वल ए प्लस बी है इसके अंदर अगर त्रुटियों के रूप में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ आएगा डेल एक्स, ठीक है। एक्स के साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस डेल एक्स आएगा, देखो उसके जैसा है बिल्कुल, और ए की जगह ये आएगा, माइनस के अंदर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, माइनस के साथ में आएगा। देखना यहां जब आप लोग इसे सोल्व करो तो आप लोग लिखोगे एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, और ये आएगा ए माइनस का बी, देखना ये ए माइनस का बी, और साथ में प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी, यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस डेल ए, और ये आएगा माइनस प्लस डेल बी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स और ए माइनस बी, प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। अब देखो ये जो लिखा है ये एक्स और ए माइनस बी, ये क्या है, एक्स इक्वल ए माइनस का बी, इसका क्या मतलब है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि ए माइनस बी की जगह आप लोग एक्स जो है वो रख सकते हो, या एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, ए माइनस बी रख सकते हो। यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल
प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी, क्या लिखोगे, प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी लिखोगे और ये आपके पास में समीकरण दो आ जाएगी। अब देखो, अब फिर से आप लोग क्या लिखोगे, त्रुटियों के संभावित मान, त्रुटियों के संभावित मान, और यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ से आप लोग लिख दोगे प्लस का डेल ए प्लस का डेल बी और फिर क्या लिख दोगे, माइनस का डेल ए माइनस का डेल बी और क्या लिख दोगे, प्लस का डेल ए माइनस का डेल बी और क्या आ जाएगा, माइनस का डेल ए प्लस का डेल बी, ठीक है। ये आपके पास में त्रुटियों के संभावित चार मान आ जाएंगे। चौथा आप लोग बात करोगे त्रुटि के अधिकतम मान की, तो क्या आएगा, त्रुटि का अधिकतम मान, त्रुटि का अधिकतम मान, ठीक है। जब त्रुटि के अधिकतम मान की बात होगी तो त्रुटि का अधिकतम मान फिर से क्या आएगा, ये आएगा डेल ए और प्लस डेल बी, ठीक है, क्या आएगा, डेल ए और प्लस का डेल बी, ये आपके पास में क्या है, त्रुटि का अधिकतम मान है। समझ में आई आपकी बात, तो ये अपने बात किए अंतर में त्रुटि की और ये अपने बात किए राशियों के योग में त्रुटि की, तो ये आपके पास में त्रुटियों की बात आ जाती है। देखो अधिकतम त्रुटि का मान इसमें भी ये है और इसमें भी क्या है, इतना ही है, तो अधिकतम त्रुटि का मान एक जैसा है, संभावित त्रुटियों का मान भी आप लोग देख सकते हो लगभग एक जैसा ही है, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस सभी कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है, तो ये आपके पास में योग और अंतर के अंदर त्रुटियाँ। अब तीसरा अपने बात करेंगे गुणा में और चौथी बात करेंगे भाग में और पांचवी बात कर लेंगे मिश्रित या घात के रूप में, अगर आपके पास में कोई राशि दी गई हो तो उसमें त्रुटियाँ किस प्रकार से अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जो अपने गुणा है, गुणा के अंदर त्रुटि किस प्रकार से की जाती है। देखो त्रुटियों के बारे में आपको एक बात का हमेशा पता होना चाहिए कि त्रुटियां जब भी अपने देखते हैं तो त्रुटियां हमेशा जुड़ती जाती है। जैसे आप लोग किसी का मापन कर रहे हो और आपको तोलना था 4.5 केजी और आपने क्या कर दिया, आपने ज़्यादा तोल दिया और कितना कर दिया उसे 4.7 कर दिया, यानी यहाँ से आप लोगों ने 0.2 का क्या कर दिया, योग ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर आपने की है त्रुटि और कितनी बार की है, एक बार की। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब अगली बार अगर आप लोग 4.3 तोल दोगे तो यहाँ से फिर से आपने 0.2 की त्रुटि की है, यहाँ भी 0.2 की त्रुटि की है, तो यहाँ पर आपने दोबारा त्रुटि कर दी है। समझ में आई ये बात आपकी, ये देखो अगर आप औसत निकालोगे तो वो फिर से उतना ही आ जाएगा, परंतु आपने त्रुटि तो यहाँ भी की और त्रुटि आपने यहाँ भी की है, ठीक है। तो अब अपने बात करनी है राशियों के गुणन में त्रुटि, तीसरी अपने को बात करनी है राशियों के गुणन में त्रुटि। राशियों के गुणन में त्रुटि, मान लो कि आपके पास में राशि ए और बी है और उनका गुणन कर रहे हो, फिर से क्या आ रहा है, ए और बी का गुणन क्या क्या आ रहा है आपके पास में, एक्स आ रहा है, और फिर से आपको वही बातें लिखनी है कि ए के मापन में, ए के मापन में परम त्रुटि कितना लिखोगे, डेल ए, और फिर लिखोगे बी के मापन में परम त्रुटि और क्या लिखोगे, डेल बी, और फिर लिखोगे गुणन में या गुणा में परम त्रुटि और कितना आएगा, डेल एक्स आएगा, ठीक है। ये देखो आपने लिखा है एक्स इक्वल ए इंटू बी, क्या लिखा है, एक्स इक्वल ए इंटू बी, समीकरण नंबर एक लगा देता हूँ। और अब आप लोग क्या लिखोगे, अब आप लोग लिखोगे कि एक्स प्लस माइनस डेल एक्स और आगे क्या आएगा, एक ही जगह ए प्लस माइनस डेल ए और फिर आएगा बी, बी प्लस माइनस डेल बी, ध्यान ये रखना
गुणा का निशान है बीच में दोनों के, ठीक है। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बीच में गुणा का निशान है, बीच में जोड़ या घटाओ का निशान मत लगा देना। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से आप लोग x कॉमन लो, आपने क्या किया यहाँ पर x कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल x बटा x, क्या बचा आपके पास में, आपके पास में x कॉमन लेने पर बचा 1 प्लस माइनस डेल x बटा x, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पर a कॉमन लिया, क्या बचा a प्लस माइनस डेल a बटा a, और यहाँ पर आपने b कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल b बटा b बचा। अब देखो x और a प्लस माइनस डेल x बटा x, और a b को साथ लिख दो, और 1 प्लस माइनस डेल a बटा a, और साथ में क्या लिखोगे 1 प्लस माइनस डेल b बटा b, ठीक है। अब देखो ये जो x है किसके साथ लिखा हुआ है, ए बी के साथ में लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर भी क्या है x इक्वल ए बी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी x और ए बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए इसे आप क्या कर सकते हो निरस्त कर सकते हो। इसे निरस्त करने के बाद में जो मान आपके पास में बचता है, पहले वो मान लिख रहा हूँ मैं, एक साइड तो ये बचा है और दूसरी साइड आप देख सकते हो ये मान बचा हुआ है, ये मान, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इन्हें मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, एक प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स, और फिर देखो आगे, पहले तो एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जब आपने एक को मल्टीप्लाई किया तो एक को एक से किया ए किया, और एक को इससे किया डेल बी अपॉन बी से, तो क्या आएगा यह आएगा डेल बी अपॉन बी, बताओ समझ में आया क्या। अब क्या करोगे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस डेल ए बटा ए, और अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए डेल बी और ए बी, ठीक है। ये टर्म आपके पास में आ जाएगी, यानी आपने इनको क्या किया आपस में मल्टीप्लाई किया। देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी यहाँ प्लस ही आने वाला है, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है प्लस आता है, ठीक है। अब यहाँ माइनस भी आ सकता है, इसलिए आ सकता है कि एक टर्म प्लस की हो और एक टर्म किसकी हो माइनस की हो, तो उसमें यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगर ये टर्म प्लस की हो तो ये माइनस की होगी तब माइनस आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस तब भी माइनस, और यदि ये माइनस तब यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, और दोनों प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। इतनी बात समझने के बाद में अपने ये मान लेते हैं, मानने से पहले एक तो आपको ये दिख ही रहा है कि ये एक इस एक से क्या हो रहा है निरस्त हो रहा है, ठीक है। और डेल ए और डेल बी जो है, यानी आपके पास में जो डेल ए और डेल बी है, ये क्या है आपके पास में त्रुटियां है, ये क्या है त्रुटियां। और मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने त्रुटियों की बात करते हैं तो त्रुटियां तो बिल्कुल सूक्ष्म होती है, बिल्कुल अल्प होती है, तो छोटी संख्याओं का अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को छोटी संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए अपने इसे क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मान लेंगे तो ये जो टर्म है वो यहाँ से क्या हो जाएगी हट जाएगी, और आपके पास में बचेगा प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स, और किसके इक्वल प्लस माइनस डेल बी डेल ए बटा ए, ए को पहले लिख देता हूँ, और साथ में प्लस माइनस डेल बी बटा बी, ठीक है। ये मान आपके पास में आ जाएगा, ये आपके पास में क्या है गुणन के अंदर त्रुटियों के लिए मान। यहाँ से फिर वही सभी बातें अपने करनी पड़ेगी, एक तो संभावित मान त्रुटियों का कितना आएगा, ये आएगा डेल ए बटा ए और प्लस डेल बी बटा बी और माइनस डेल ए बटा ए माइनस डेल बी बटा बी और माइनस डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी और प्लस का डेल ए और माइनस का डेल बी बटा बी, ये आपके पास में क्या है त्रुटियों के संभावित मान है। अब अपने अगर अधिकतम मान की बात की जाए, क्या की जाए अधिकतम मान की बात की जाए कि जो त्रुटियां आपके पास में है उनका अधिकतम मान कितना होगा, ठीक है। त्रुटियों के अधिकतम मान की अगर आप लोग बात करोगे तो त्रुटियों का अधिकतम मान जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा डेल ए बटा ए और प्लस का
डेल बी बटा बी, ये आपके पास में क्या है, त्रुटि जो है उसका अधिकतम मान है। तो ये तो आपके पास में त्रुटियों के कौन से मान है, संभावित मान आ गए, ये आपके पास में कौन सा मान आ गया, त्रुटि का अधिकतम मान आ गया। ठीक है, आपको ये टर्म यहाँ से याद रखनी है। अगर समीकरण नंबर लिखें तो दो लिख देता हूँ इसे, इस समीकरण दो को आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब गुणन में त्रुटियों की बात आती है तो उसका संभावित मान कितना आता है, ये जो सामने मान लिखा हुआ है ये कौन सा मान है, त्रुटियों के अंदर, गुणन के अंदर त्रुटियों का संभावित मान है, और ये इसका अधिकतम मान है और ये इसके सभी मान है, इसी मान को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आता है गुणन में त्रुटियों का। यहाँ पर एक तरीका और रहता है इसका, इसे सॉल्व करने का, हालांकि उसके अंदर अपने अवकलन काम में लेंगे और अवकलन आप लोग मैथ के अंदर पढ़ लोगे। दूसरा तरीका है इसका, देखो अन्य रूप में या मेथड सेकंड आप लोग लिख सकते हो, ये लिखना नहीं है, इन दोनों में से आपको किसी एक को सोल्व करना होता है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एक्स ए और बी, इससे आगे मैं आपको इसी मेथड से करवाने वाला हूं। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, लॉग ले सकते हो, यहां पर क्या ले सकते हो आप लोग, लॉग ले सकते हो। तो ये आएगा लॉग एक्स, और ये जो टर्म लिखी गई है, आपको पता है कि आप अगर गुणा के अंदर दो टर्म दी गई हो, जैसे यहां पर क्या लिखा है, ए बी लिखा गया, अगर यहां पर आप लोग गुणा के अंदर ए और बी लिखो, यानी आप लोग क्या करो, गुणा के अंदर ए और बी लिख दो, तो गुणा के अंदर जो लिखा जाता है उनको आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग योग के रूप में लिख सकते हो। जैसे इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी। आई बात समझ में, ऐसा तो आप लोग दसवीं के अंदर पढ़ी चुके हो कि जब आप लोग इसका लॉग लेते हो तो यहाँ तो आएगा लॉग एक्स, ठीक है, या मैथ की क्लास अगर आप लोगों ने देखी हो तो ग्यारहवीं के जो मैथ है उसके अंदर आपको लॉग बताया जाता है, लॉग की प्रश्नावली लगती है, अवकलन भी लगते हैं और समाकलन आपके अगली क्लास में लगेंगे बारहवीं। तो एक्स इक्वल क्या है, ए और बी है, तो लॉग एक्स इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी आप लोग लिख सकते हो, दोनों साइड आपने लॉग लिया, जो गुणा के अंदर जो टर्म होती है उसे आप लोग क्या कर सकते हो, जोड़ के अंदर लिख सकते हो। अब आप लोग क्या लिखोगे, अब आप लोग लिखोगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन के बारे में अपने चैप्टर सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हैं, सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर अपने अवकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो ग्यारहवीं क्लास की जो मैथ अभी सर करवा रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने अवकलन जरूर पढ़ा होगा। अगर बायो के भी स्टूडेंट हो तब भी आप लोग सर की क्लास देख लेना जहाँ उन्होंने अवकलन करवाया है और लॉग के बारे में बताया है, ठीक है। तो बेसिक अवकलन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन के बिना आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, तो अवकलन करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ जब आप लोग इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल एक्स बटा एक्स, क्या आएगा डेल एक्स बटा एक्स, और जब आप इस टर्म का अवकलन करोगे तो आएगा डेल ए बटा ए, और जब इसका अवकलन करोगे तो आएगा डेल बी बटा बी। बस ये जो अपने टॉपिक किया है इतना बड़ा, इसे आप लोग तीन चार लाइनों में ख़त्म कर सकते हो, जो अपने यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के अपने यहाँ तक लिखा था उसे सिर्फ अपने तीन लाइनों में लिख सकते हैं। एक्स इक्वल ए बी, आपने क्या किया, लॉग लिया, लॉग एक्स इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा, अवकलन किया और आपके पास में ये टर्म आ गई। देखो इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि इसके बाद में ये कैसे आया, ठीक। तो अगर लॉग एक्स की बात की जाए तो लॉग एक्स का जब अवकलन किया जाता है तो लॉग एक्स के अवकलन का सूत्र होता है एक बटा एक्स। लॉग एक्स जो है उसका अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाए, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो उसका सूत्र होता है एक बटा एक्स। लॉग ए, यदि ए के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो इसका सूत्र होता है एक बटा ए। और लॉग बी, यदि इसका एक्स के सापेक्ष किया जाए तो इसका सूत्र होता है एक बटा बी, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया डेल ए डेल बी, देखो अपने इसका एक्स के सापेक्ष तो नहीं कर रहे, किसी अन्य चर के सापेक्ष कर रहे हैं। जब अन्य चर के सापेक्ष किया जाता है तो जिसका आप अवकलन कर रहे हो उसका दोबारा से अवकलन करके गुणा करना होता है। तो डेल एक्स का अवकलन करके आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और डेल ए का अवकलन करके गुणा कर दिया, डेल बी का अवकलन करके आपने गुणा कर दिया, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को अवकलन के बारे में बताऊंगा, वहाँ पर आप लोग डिटेल से इसे समझ लेना। और इस टॉपिक को भी मैं वहीं पर आपको फिर से बता दूंगा कि एक बार मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसके अंदर ये जो टर्म आई थी वो आपने कैसे लिखी थी, ठीक है। या फिर आप लोग मैथ के अंदर जो सर अवकलन करवा रहे हैं वहाँ से आप लोग इसे समझ सकते हो। यहाँ पर सूत्र जो काम में आए वो क्या है कि जब आप लोग लॉग एक्स का अवकलन कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, तो क्या आता है, इसका अवकलन एक बटा एक्स आता है। और डेल एक्स कहाँ से आ गया,
क्योंकि आप किसी अन्य चर के सापेक्ष कर रहे हो, तो x का दोबारा से अवकलन करके आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अवकलन में अपने इसकी बात कर लेंगे, अभी अपने त्रुटियां पड़ रहे हैं, तो या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, और अगर ये आपके समझ में आता है तो आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हो। देखो अगला, देखो अगला आता है अपने गुणन में त्रुटियां, अगला आता है गुणन में त्रुटियां। गुणन में त्रुटियां आपने पढ़ ली है, भाग में त्रुटियां पढ़ेंगे। भाग में त्रुटियां देखो, अगर आपको बोला जाए कि भाग में त्रुटि जो है उसका मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे? तो एक तो आपके पास में वही तरीका है जो अभी तक अपने सोल्व करते आ रहे हैं, जैसे चौथा टॉपिक अपना भाग में त्रुटियां, ठीक है, भाग में त्रुटियां। अभी जितना समय बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं लोग के हिसाब से आपको करवा देता हूं, फिर जो अपना पुराना तरीका है उससे भी आपको बता दूंगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे x इक्वल a बटा b। क्या लिखा आपने, x इक्वल a बटा b लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप लोग लिखोगे लोग लेने पर, क्या लिखोगे लोग लेने पर, दोनों तरफ आप लोग क्या करोगे, ये जो समीकरण एक है या लिख देता हूँ, समीकरण पूरी लाइन लिख देता हूँ, समीकरण एक का दोनों तरफ लोग लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ जब आप लोग समीकरण एक का लोग लेते हो तो आपके पास में आता है लोग x इक्वल लोग a बटा b, ये आता है, ठीक है। और आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि जब गुणा में लोग होता है तो आप प्लस लगा देते हो, जब भाग में होता है तो आप लोग क्या कर देते हो, माइनस लगा देते हो। तो यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे लोग x इक्वल लोग a माइनस लोग b, ठीक है। अगर ये गुणा में होता लोग a इंटू b, तो यहाँ आप लोग प्लस करते, अब भाग में है तो आपने क्या कर दिया, लोग a माइनस लोग b कर दिया, यानी आपने प्लस की जगह किसका निशान लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया। अब आप लोग क्या लिखोगे, अब आप लोग लिखोगे अवकलन करने पर। जब आप लोग इसका अवकलन करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो देखो क्या आएगा, ये आएगा डेल x बटा x। देखो जब आपने लोग x का अवकलन किया, लोग x का अवकलन करने पर क्या आया आपके पास में, एक बटा x आया। पर अब अपने x के सापेक्ष नहीं कर रहे, किसी अन्य चर के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए आपको x का फिर से अवकलन करके इसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, डेल x लिख दिया। अब देखो a का आपको क्या करना है, लोग a का अवकलन करना है, तो ये क्या आएगा, एक बटा a आएगा, पर a के सापेक्ष नहीं कर रहे, किसी अन्य के सापेक्ष कर रहे हैं, तो a का फिर से अवकलन करके गुणा किया, क्या आया, डेल a आया, और माइनस लोग b का किया, b आया, और साथ में आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, डेल b लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा डेल x बटा x, डेल a बटा a माइनस डेल b बटा b, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अपने इसे सोल्व कर लिया, अब अपने फिर से उसी टर्म की बात करेंगे कि त्रुटियों के संभावित मान। देखो अपने जो पीछे रिजल्ट निकाला था उसके अंदर प्लस माइनस के साथ में आया था, पर यहाँ तो अपने क्या किया, सीधा इसे सोल्व किया है, तो जो आपके पास में पीछे जो फॉर्मूला आया था उसके जैसा फॉर्मूला लिखने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, इसे आप लोग कुछ इस तरीके से इसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, प्लस माइनस डेल ए बटा ए। देखो इन दोनों में पहले प्लस था तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पहले माइनस लिखोगे जब पहले प्लस लिखा है, और जब आप लोग यहाँ माइनस लिखोगे तब यहाँ प्लस आएगा, तो ये क्या बनेगा, डेल बी बटा बी, ठीक है। जो त्रुटियों के संभावित मान अपने ज्ञात करते हैं, वो जो आपके पास में फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वो फिर से संभावित मान लिख सकते हो, संभावित मान अपने जो इसका बड़े वाला तरीका है उसे कल देखेंगे फिर से, और फिर अपने घात के लिए त्रुटियां करेंगे और अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो संभावित मान डेल ए बटा ए और प्लस डेल बी बटा बी, ये प्लस का और माइनस का, डेल ए बटा ए और माइनस डेल बी बटा बी, ठीक है। और साथ में माइनस का डेल ए बटा ए, प्लस का डेल बी बटा बी, और यहाँ पर प्लस का डेल ए बटा ए और माइनस का डेल बी बटा बी, ये क्या है, संभावित मान है। और अधिकतम मान अब आपको चाहिए त्रुटियों का, अधिकतम मान
तो इसे क्या कर दोगे, मोड के साथ में लिख दोगे, ये आएगा डेल ए बटा ए और प्लस डेल बी बटा बी। अधिकतम मान देखो माइनस वाला मत लिख देना, अधिकतम मान के जब आप लोग बात कर रहे हो तो आपको किसके साथ में लिखना है, इसे जोड़